डियर स्टूडेंट्स वेलकम बैक। फर्स्ट पार्ट ऑफ कैपिटलिज्म में हम लोगों ने समझने की कोशिश की इसके मायने, इसके डिफरेंट फीचर्स या नेचर एंड डिफरेंट डायमेंशंस, ये कैसे जुड़ा हुआ है अदर जो सोशल फिनोमेना है, लिबरलिज्म हो चाहे नेशन स्टेट हो, कॉलोनियलिज्म हो या ग्लोबलाइजेशन, उससे कैसे जुड़ा हुआ है। इस पार्ट में हम कंक्लूडिंग पार्ट है कैपिटलिज्म का, जिसमें हम लोग देखेंगे इसके इवोल्यूशन कैसे हुआ है, कैसे ये इवॉल्व हुआ है, कैसे ये ग्लोबलाइज्ड हो गया है जो कि ग्लोबलाइजेशन से जुड़ा हुआ है, और इसके चैलेंजेस क्या हैं, क्या ये हम सभी को, इस कंटेम्पोररी वर्ल्ड को ये सॉल्यूशन दे सकता है, इकोनॉमिक, सोशल या पॉलिटिकल, इस पे हम लोग थोड़ी चर्चा करेंगे। लेट अस बिगिन। जस्ट टू रिकैपिटुलेट या फिर से एक बार याद करने के लिए, यदि आप पहली बार कैपिटलिज्म को देख रहे हैं हमारे वीडियो में, तो इट्स ए मोड ऑफ प्रोडक्शन एंड कंसेक्वेंट सोशियो इकोनॉमिक ऑर्डर। ये केवल मोड ऑफ प्रोडक्शन इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ही नहीं है, बल्कि ये सब्सिक्वेंट जो है वो सोशियो, आप कह सकते हैं पॉलिटिकल स्ट्रक्चर या ऑर्डर में भी बदल जाता है, इन विच मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर ओन्ड बाई वेरी स्मॉल सेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी क्लास, जिसको हम कैपिटलिस्ट क्लास बोलते हैं, who purchase वेज लेबर फ्रॉम वास्ट मेजोरिटी ऑफ प्रॉपर्टी लेस क्लास। और इसमें होता क्या है कि जो प्रॉपर्टी क्लास है या कैपिटलिस्ट क्लास है, वो मनी इन फॉर्म ऑफ कैपिटल लगाता है, आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, वो मनी से वो प्रोडक्ट या सर्विस प्रोड्यूस करता है बाय इंप्रूविंग द लेबर प्रोडक्टिविटी, और अंत में जो है जितना मनी उसने लगाया था उससे ज्यादा मनी और पैदा होती है, जो कि प्रॉफिट के टर्म में होती है, फिर वो प्लॉ बैक जो है हो जाती है कैपिटल के फॉर्म में, फिर वो प्रोडक्ट, और ये साइकिल जो है वो चलता रहता है जब तक कि प्रॉफिट जनरेट हो। यदि आप साइड में देखें तो ये जो प्रॉफिट जनरेट होती है वो मेनली लेबर प्रोडक्टिविटी के बढ़ने से होती है, क्योंकि जो एंटरप्रेन्योरशिप होता है कैपिटलिस्ट क्लास का, वो ऐसे टेक्निक, ऐसे इनोवेशंस, ऐसे अदर मेथड, साइंटिफिक मेथड लाता है जिससे लेबर प्रोडक्टिविटी, एक लेबर यदि एवरेज एक कार एक दिन में बना रहा है तो 10 कार बनाने लगता है मान लीजिए असेंबली लाइन से, तो प्रॉफिट इज बाय इंक्रीजिंग लेबर प्रोडक्टिविटी। प्रॉफिट जो है मार्क्सिस्ट यदि लैंग्वेज में कहें तो इज नथिंग बट सरप्लस लेबर वैल्यू, मतलब जितना लेबर अपने सबसिस्टेंस के ऊपर जो उसकी मेहनत है उस इंटरप्राइज के लिए, वो प्रॉफिट में बदलती है, जिसको कि कैपिटलिस्ट क्लास रख लेता है, वह नहीं शेयर करता लेबर क्लास के साथ, वो प्रॉफिट है, एंड प्रॉफिट जो है वो रिटेन की जाती है या री इन्वेस्ट कर दी जाती है प्रोडक्शन साइकिल में। इसका एक दूसरा फीचर भी है कि इसमें इनविजिबल हैंड ऑफ मार्केट जो है, जो एडम स्मिथ ने कहा था, इनविजिबल हैंड ऑफ मार्केट नॉट ओनली मेंटेन इकोनॉमिक ऑर्डर, ये केवल जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, वेज कॉन्ट्रैक्ट, सेल परचेज, प्राइस स्टेबलाइजेशन, वॉल्यूम, सप्लाई डिमांड, इसको ही कंट्रोल नहीं करता है, but the market, invisible hand of market also dictate social relationship, जो कि subordinate dominant relationship होता है, elite versus masses हो जाता है, capitalist versus labor class हो जाता है, bourgeoisie versus proletariat हो जाता है, तो ये जो या exploiter versus exploited हो जाता है, ये जो social relationship, class based social relationship है, वो भी जो है मार्केट ही डिटरमिन करता है। इनफैक्ट आजकल के कैपिटलिस्ट सोसाइटी में जितने भी रिलेशनशिप है, इवन फैमिलीज में भी, वो मार्केट डोमिनेटेड या मनी डोमिनेटेड हो जाते हैं। तो ये फीचर्स जो है कैपिटलिज्म का इन नट्स। अब जो है जो क्रक्स है इस वीडियो का, लेट अस कम टू दैट, इस पे कोई एका नहीं है कि किस तरह से कैपिटलिज्म जो है जो यूरोप में, वेस्टर्न यूरोप में इवॉल्व हुआ, कैसे हुआ, लेकिन मुझे लगता है जितना भी मैंने पढ़ा है कि इसकी जो ओरिजिन है, जैसे बहुत सारे ऑथर कहते हैं, मैं भी उससे अलाइंड हूं, कि इसका ओरिजिन जो है 16th-17th century इंग्लैंड में हुआ, और वो गांव से हुआ, और वो खेती से हुआ, शहर से नहीं हुआ जो हम सोचते हैं कि फैक्ट्री या इंडस्ट्रियल से। कैसे, ये देखिए कैसे ये एग्रेरियन ओरिजिन था कैपिटलिज्म का, इसको मैंने लंबा लिखा है कि आप नोट में यूज कर सकते हैं। सेवरल फैक्टर्स लेड टू मार्केट मेडिएटेड रिलेशन between landlord and peasants, in which extraction of surplus labor was by economic means and not by coerce. See, I'm not going to read. आप इसको पढ़ लीजिएगा। मैं जो कहना चाहता हूँ ये है कि उस समय का जो इंग्लैंड था, वह fortunately for capitalism, एक ऐसे स्टेट में पहुंच गया था जो कि
यूरोप के और किसी देश, पर्टिकुलरली फ्रांस या जर्मनी में उस समय में नहीं हुआ था, जहाँ पे कि जो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल स्फेयर अलग अलग होने शुरू हो गए थे। पॉलिटिकल स्फेयर में एक यूनिफाइड सेंट्रलाइज्ड मोनार्किकल स्टेट का जन्म हो चुका था, और वो स्टेट ऐसा था जो डीमिलिटराइज था, मतलब वो कोई कोअर्शन उसके पास बहुत ज्यादा नहीं था। वो जो पार्लियामेंट था, पार्लियामेंट भी क्या था, वो लॉर्ड्स का जो है, जो वहां प्रॉपर्टी क्लास थे उसकी पंचायत थी, जिसको हाउस ऑफ लॉर्ड आज भी कहते हैं। तो उनके साथ में उसका एक पावर शेयर जैसा हो गया था कि हाउस ऑफ लॉर्ड जो था वो इकोनॉमिक स्फेयर को मैनेज करता था और जो मोनार्की था वो पॉलिटिकल स्फेयर को। और अनलाइक अदर प्लेसेस, इवन मुगल काल ले लीजिए या ईरान का एम्पायर लीजिए या वेस्टर्न यूरोप के अदर कंट्रीज कर लीजिए, उस समय में जो उसका मोनार्की था वह बाय फोर्सफुली जो एक्स्ट्रा इकोनॉमिक मींस से टैक्स लगा के या ट्रिब्यूट या जबरदस्ती के फॉर्म में अपने किसानों से, किसान वहां क्या थे, लॉर्ड से बेसिकली, उनसे वो छीनने का जो एक्सप्रोप्रिएशन था वो बंद हो चुका था। इसके अलावा एक नेशनल यूनिफाइड मार्केट डेवलप हो गया था, जो फ्रांस या जर्मनी में नहीं हुआ था, वहां पार्सलाइज था, वहां बटा हुआ था। और फेडरलिज्म यहाँ पे 14 सेंचुरी बाद पूरी तरह खत्म हो चुका था। ऐसे इंग्लैंड में कैपिटलिज्म का जन्म जो है वो खेती से हुआ, क्योंकि यहाँ खेती जो है वो लॉर्ड करते थे, बिग बिग लॉर्ड, करीब 70-80% लैंड जो है वो बिग लैंड लॉर्ड के पास था। उन्होंने मार्केट डिटरमिन रेट पे जो है टीनेंट्स को अपना जमीन लीज पे देना शुरू किया, जो जितना रेट देता था वो उसको वो बिड, जो हाईएस्ट जो मार्केट रेट होता था उस पर जमीन ली जाती थी, और वो जो टीनेंट होते थे तब तक ही वो जमीन का डेवलपमेंट कर पाते थे या और जमीन ले पाते थे, जब तक कि वो प्रॉफिट जनरेट ना कर पाए अपने एग्रीकल्चरल इंटरप्राइज से। तो इससे एक कंपटीशन बढ़ा, जो प्रोडक्ट थे एग्रीकल्चर के वो भी मार्केट में सेल होने लगे, जो एग्रीकल्चर इंप्लीमेंट्स थे, मशीनरी थे, टूल्स थे, वो भी मार्केट्स में सेल होते थे मार्केट रेट पे। तो मार्केट जो है वो एक सेंट्रल मींस बन गया, जहाँ पे कि कैपिटलिस्ट जो लैंडलॉर्ड क्लास थे वो मींस ऑफ प्रोडक्शन भी खरीदते थे, वो लेबर भी खरीदते थे, वो जो है रेंट के लिए टीनेंट भी खरीदते थे, सब मार्केट डिटरमिन कंपिटिटिव रेट पे, और वहीं पे जो है वो प्रोड्यूस भी अपना जो है वो बेचते थे। तो इस तरह से जो है वो एक अर्ली कैपिटलिज्म का उदय जो है इंग्लैंड में हुआ, जो और कहीं पे पूरी दुनिया में, खास करके यूरोप में भी नहीं हो पाया। यूरोप में 150 साल बाद, आफ्टर फ्रेंच रिवॉल्यूशन, उसके भी कई 50-60 साल के बाद नेशन स्टेट जब का उदय होने लगा, तब जा करके ये जो इंग्लैंड में 150-200 साल पहले जो कैपिटलिज्म हुआ वो यूरोप में 150 साल के बाद जो है वो आई, और वो ज्यादा इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद आई। सो दिस इज द एग्रेरियन ओरिजिन ऑफ कैपिटलिज्म। इसको क्यों हम कैपिटलिज्म कह सकते हैं और इसके पहले को क्यों नहीं कह सकते हैं, क्योंकि कैपिटलिज्म का यदि ये डेफिनेशन जो मैंने आपको दिया कि जहां पे की मोड ऑफ प्रोडक्शन, मींस ऑफ प्रोडक्शन एक कैपिटलिस्ट क्लास ओन करता है और वो वेज लेबर मार्केट डिटरमिन रेट पे खरीदता है, और जहां पे की ओनरशिप ऑफ प्रोडक्ट जो है वो जो लेबरर होता है वो लूज कर जाता है, और वहां प्रॉफिट जो है वो बाय इकोनॉमिक मींस, मतलब सरप्लस लेबर के फॉर्म में होती है। ये सारा कुछ जो है ये एग्रेरियन ओरिजिन जो मैं आपको डिस्क्राइब कर रहा हूं इंग्लैंड में, वहां सब कुछ ये हो रहा था, इसलिए इसको जो है ओरिजिन जो है कैपिटलिज्म का माना जाता है। इसके आगे यदि हम चलें कि इवोल्यूशन जो कैपिटलिज्म का हुआ है, इसको इस पे भी कोई एका नहीं है कि क्या क्या फेजेस कैपिटलिज्म के हैं। हर जगह लिटरेचर में आप अलग अलग पाएंगे। मैंने बहुत जगह से जो मुझे समझ में आई है मैंने इसको इस तरह से अरेंज किया है। यदि फर्स्ट फेज लें तो मर्केंटाइल फेज, मर्केंटाइल मतलब होता है मर्चेंट, ट्रेडिंग, और जिसको व्यापार आप कहते हैं, सामान को खरीदना बेचना, जो इंडिया में बहुत प्रचलित शुरू से रहा है। तो मर्केंटाइल फेज, और ये पूरा यूरोपियन पर्सपेक्टिव है, इस बात को आप ध्यान रखें, क्योंकि कैपिटलिज्म वहीं पे जन्म लिया है तो उसी के सारे फेजेज हैं, बट बाद में वो ग्लोबलाइज हो जाता है। मर्केंटाइल फेज या ट्रेडिंग फेज यदि आप देखें तो 16th से 18th century यूरोप में है, जो कि कॉलोनियलिज्म और इंपीरियलिज्म से भी जुड़ गया था। लेकिन बहुत सारे ऑथर, और मुझे भी लगता है कि मर्केंटाइल या ट्रेडिंग फेज जो है वो ट्रू कैपिटलिज्म नहीं था, क्योंकि यदि कैपिटलिज्म का डेफिनेशन है कि मींस ऑफ प्रोडक्शन इज ओन्ड बाय कैपिटलिस्ट क्लास, और प्रोडक्ट पे जो है लूज कर जाता है लेबर क्लास अपना अधिकार, और जो सरप्लस लेबर है उससे प्रॉफिट होती है, तो ये सब कोई भी फीचर मर्केंटाइल
बिजनेस में नहीं है, यहाँ पे जो है ट्रेडर्स जो होते हैं वो किसी तरह से वैल्यू जो है वो उससे जनरेट नहीं करते कि प्रोडक्टिविटी और लेबर बढ़ा करके, बनिस्पत वो प्राइस आर्बिट्रेज जो स्पेस और टाइम में होती है उसको वो जो है एक्सप्लॉइट करते हैं कि इस जगह पे इतना प्राइस है, यदि 500 माइल दूर बेचेंगे तो इतना प्राइस है, तो इस पर जो है वो या टाइम में जो है उन्होंने दिसंबर में खरीदा जून में बेचा उससे, तो इस और दूसरा जो है वो जो कैपिटलिज्म का जो मेन फीचर है कि जो फेडल सोशल स्ट्रक्चर था उसको पूरी तरह से ध्वस्त हो गया और एक न्यू सोशल स्ट्रक्चर क्लास बेस आया। तो मर्केंटाइल फेज में ऐसा भी नहीं हुआ क्योंकि जो मर्चेंट्स थे, बिग मर्चेंट्स चाहे ईस्ट इंडिया कंपनी क्यों ना हो, वो उस समय के फेडल जो 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 फेडल जो एरिस्टोक्रैट थे उसके साथ उनका बहुत क्लोज अलायंस था और एक्स्ट्रा इकोनॉमिक मीन से ही जो है उसमें शोषण होता था लेबर या मासेस का। तो ये सारे चीजों के चलते बहुत सारे स्कॉलर और मैं भी मानता हूं कि मर्केंटाइल फेज ट्रूली कैपिटलिस्ट फेज नहीं था, लेकिन समझने के लिए आप समझ सकते हैं कि मर्केंटाइल फेज को पहला फेज कैपिटलिज्म का माना जा सकता है क्योंकि उसमें कई चीजें ऐसी थी जिसने बाद में कैपिटलिज्म को जन्म दिया। अब आइए अर्ली फेज जो था, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, दैट वॉज एग्रेरियन इवोल्यूशन ऑफ क्लासिक कैपिटलिज्म जो है 16th-17th सेंचुरी इंग्लैंड में पैदा हुआ या इवॉल्व हुआ, मैंने आपको एक्सप्लेन किया पिछले स्लाइड में। नाउ कम टू दैट फेज जिसको हम रियली क्लासिक फेज ऑफ कैपिटलिज्म कह सकते हैं, 19th सेंचुरी, जहां पे कि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के बाद फैक्ट्री हुई, चिमनी से धुआं निकल रहा है और घेटोज में या स्लम्स में जो है लेबर रह रहे हैं काले धुएं से लिपटे हुए सबर्बन एरियाज में और बहुत ही खराब कंडीशन है, जिसमें कि कार्ल मार्क्स ने जो है अपनी किताब जो है दास कैपिटल और कम्युनिज्म ये सब पे लिखा। वो फेज आया जिसको कि कंपेटिटिव कैपिटलिज्म बोलते हैं, छोटे छोटे फैक्ट्रीज होते थे वो सब आपस में कम्पीट करते थे और इकोनॉमिक्स के टर्म में बोले तो फर्म वॉज वर्किंग अंडर और परफॉर्मिंग अंडर परफेक्ट कम्पिटिटिव इन्वायरमेंट, मतलब परफेक्ट कंपटीशन स्ट्रक्चर था मार्केट का जिसमें हर फर्म केवल जो है नॉर्मल प्रॉफिट ही अर्न कर पाता था और जो नहीं अर्न कर पाता था वो जो है डाई आउट हो जाता था। ये जो है क्लासिक फेज रहा करीब 100 साल तक। उसके बाद नेक्स्ट फेज जो मोनोपोलिस्टिक फेज में प्रवेश कर जाता है, यहाँ पे क्या हुआ, सेंट्रलाइजेशन और कार्टेलाइजेशन होने लगा कैपिटल का, मतलब ये जो छोटे छोटे इंडिपेंडेंट कंपिटिटिव फर्म थे वो सब कोलैप्स होने लगे, या तो मर्जर होने लगा या एक बड़ा जो है फर्म बहुत बड़ा बन गया, उसने सबको अपने अंदर सबज्यूम कर लिया और बिग बिग जो है मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन की इस्टेब्लिशमेंट होने लगी। और यहाँ पे एक और फीचर हुआ कि केन्स जो है जो कि इंग्लैंड के बहुत इन्फ्लुएंशियल इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने एक थ्योरी दिया जिसको कि डिमांड लेड थ्योरी बोलते हैं। उनका कहना था कि गवर्नमेंट का काम है कंजम्पशन को बढ़ाना, डिमांड को बढ़ाना, क्योंकि वो स्लो डाउन हो गया था 1930 में जो है जो ग्लोबल डिप्रेशन आया था सबसे बड़ा, उससे सभी पूरी यूरोप और अमेरिका चिंतित थे। तो केन्सियन मॉडल जो है चला डिमांड लेड कैपिटलिज्म, उसमें ये कहा गया कि गवर्नमेंट को जो है लेसेज फेयर, मतलब चुपचाप नहीं बैठना चाहिए, मार्केट पे सब नहीं छोड़ देना चाहिए, बल्कि लेबर मिनिमम वेजेज एक्ट फिक्स कीजिए, उनको अनएम्प्लॉयमेंट भत्ता दीजिए जिससे कि लेबर के पास में इनफ पैसा रहे जिससे कि वो मार्केट में जो कैपिटलिस्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको खरीद पाए। इनफैक्ट प्रॉब्लम ये है कैपिटलिज्म का कि जितने प्रोडक्ट बनते हैं उसको खरीदता कौन है, वो तो 95% तो मासेज होते हैं जो लेबर होते हैं, 5% ही कैपिटलिस्ट क्लास होते हैं, उससे भी कम होते हैं, तो ये 95% के पास पैसा नहीं होगा तो वो खरीदेगा क्या। तो इससे जो है एक नई जो है इकोनॉमी चली मोनोपोलिस्टिक फेज में, जहां गवर्नमेंट ने इंटरवीन किया, बहुत सारे रेगुलेशन उसने वो लेकर के आए और एमएनसी का इवोल्यूशन हुआ। इसको फोर्डिस फेज भी बहुत लोग कहते हैं, फोर्ड के नाम पे जो कार के मैन्युफैक्चर, जहां की एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्रोडक्शन हुआ जो असेंबली लाइन था, अफोर्डेबल मास प्रोडक्शन बाय साइंटिफिक मेथड, टेलर का मैंने आपको पढ़ाया, टेलर के साइंटिफिक मेथड को फोर्ड ने यूज किया और कई ने, और एक पूरा जैसे डेट्रॉइट जो है पूरा एक कार मैन्युफैक्चरिंग ऑटोमोबाइल का सेंटर बन गया, इस टाइप के टाउन्स जो है पिट्सबर्ग जो है आयरन का स्टील का सेंटर बन गया, इस टाइप के पूरे टाउन्स ही जो स्पेशलाइज होने लगे और मास प्रोडक्शन होने लगा असेंबली लाइन में। ये फोर्डिस फेज कहलाया जहाँ पे कि मोनोपोलिस्ट फर्म जो है बिग बिग फर्म जो है बड़े होने लगे और यहाँ इकोनॉमीज ऑफ स्केल, मतलब कितना ज्यादा आप प्रोड्यूस करते हैं उससे जो है आपका प्रॉफिट बढ़ता है, अधिक से अधिक प्रोड्यूस करें, बैकवर्ड फॉरवर्ड इंटीग्रेशन होने लगी और गवर्नमेंट यहाँ पे चुप नहीं बैठी, इट बिकेम वेलफेयर गवर्नमेंट, वेलफेयर स्टेट, जहाँ पे कि एम्प्लॉयमेंट भत्ता बांटा जा रहा है या मिनिमम वेजेस फिक्स किए जा रहे हैं, ओल्ड एज केयर दी जा रही है, सोशल सिक्योरिटी दी जा रही है और लॉट्स ऑफ रेगुलेशन की जा रही है कैपिटल पे कि मार्केट जो है वो डिस्टॉर्ट ना करे, वो गरीबों को और अमीरों को अलग अलग ट्रीट करे।
इस तरह सोशल डेमोक्रेसी का भी उदय हुआ और इसको कई लोग जो हैं गोल्डन फेज, जो फोर्डिस फेज को गोल्डन फेज ऑफ कैपिटलिज्म बोलते हैं, जो कि अपने चरम पे पहुंचा पोस्ट वर्ल्ड वॉर टू, मतलब 1950 से लेकर 1973 जो 25 साल का लगभग पीरियड था उसको गोल्डन पीरियड ऑफ कैपिटलिज्म कहते हैं। अब आप फोर्थ फेज में जो आए तो नियो लिबरल फेज है, जहां जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी जो है नियो लिबरलिज्म की हो गई। ये 1973 में जो है ग्लोबल ऑयल क्राइसिस आया, इससे जो है पूरी तरह दुनिया हिल गई एनर्जी क्राइसिस के फॉर्म में। तब समझ में आया कि ये जो गोल्डन फेज है वो नहीं चल सकता है। वहां पे क्लैमर शुरू हुई कि डीरेगुलेशन होना चाहिए, गवर्नमेंट को फिर से जो है लिसाज फेयर में जाना चाहिए, मिनिमल स्टेट होना चाहिए। हायाक एंड नॉजिक जैसे जो नियो लिबरल हैं उन्होंने जो है प्राइवेटाइजेशन की वकालत की, और पॉलिटिकल एरिना में रोनाल्ड रीगन अमेरिका में और मार्गरेट थैचर जो इंग्लैंड में थे उन्होंने इस नियो लिबरलिज्म को पॉलिटिकली सपोर्ट किया अपने पॉलिटिकल पावर से, और एक ह्यूज वेव ऑफ प्राइवेटाइजेशन और डीरेगुलेशन चली अक्रॉस द अटलांटिक इंग्लैंड और अमेरिका में, जिसने पूरी दुनिया को बदल दिया। इसको पोस्ट फोर्डिस्ट फेज भी बोलते हैं, जिसमें कि अब मोनोपोलिस्ट बड़े बड़े प्लांट के बजाय जो है डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट, अलग अलग छोटे छोटे सेंटर्स में निश मार्केटिंग, डिसेंट्रलाइज प्रोडक्शन होने लगा, इकोनॉमीज ऑफ स्केल के बदले इकोनॉमीज ऑफ स्कोप होने लगा। मतलब सेगमेंटेशन मार्केट का हो गया कि हर सेगमेंट की जरूरत अलग अलग है, इसलिए मास प्रोडक्शन नहीं होना चाहिए बल्कि सेगमेंट के लिए अपने उसके चॉइस के अनुसार, उसके नीड के अनुसार से अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट बनने चाहिए छोटे छोटे फैक्ट्रीज में, स्मॉल इज ब्यूटीफुल का चला ये फेज आया नियो लिबरल। ये फेज जो है धीरे धीरे ग्लोबलाइज फेज में मर्ज कर गया। पोस्ट 1991 में जहां पे कि यूएसएसआर का पतन हो गया, कम्युनिस्ट जो स्ट्रक्चर था वो पूरी तरह ध्वस्त हो गया, और कैपिटलिज्म जो है और लिबरलिज्म एज ए पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, कैपिटल एज ए इकोनॉमिक आइडियोलॉजी पूरे दुनिया में छा गया, उसका कोई जो है अपोजिशन या कंटेस्टेंट नहीं रहा। और इसको फुकुयामा ने एंड ऑफ हिस्ट्री कहा कि अब ये आइडियोलॉजिकली जो है, जो हेगल ने कहा था कि एक डायलेक्टिक होता है, हिस्ट्री जो है हमेशा कंट्राडिक्शन से, दो मतलब कि अपोजिंग पार्टी होती है, चाहे स्लेव मास्टर हो या मान लीजिए फेडरल लॉर्ड और सर्फ हो, इस तरह से आगे बढ़ती है। वो कंट्राडिक्शन जो है फुकुयामा के अनुसार खत्म हो गया है, वर्ल्ड में कोई आइडियोलॉजिकल कंट्राडिक्शन नहीं है, और कैपिटलिज्म और लिबरलिज्म जो है वो अपने चरम पे है और वही है जो कि हमें दुनिया को चाहिए है। तो ये सब थ्योरी आने लगी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन जो है वो पूरी दुनिया में आया, इंडिया में भी, जो आपको पता है कि 1991 में हम उसका पार्ट बन गए स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट के नाम पे। IMF और वर्ल्ड बैंक और WTO का प्रभाव बढ़ते चला गया और एक नया ग्लोबलाइज कैपिटलाइज फॉर्म, कैपिटलिज्म का एक नया ग्लोबलाइज रूप हमारे सामने आया, जिसको कोई चुनौती कहीं भी नहीं थी पूरी दुनिया में। और एक तरह समझिए कि फाइनेंशियल ग्लोबलाइजेशन भी आया, जहां पे कि मैं आपको आगे बताऊंगा कि कैसे ये इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन से या इकोनॉमिक कैपिटलिज्म से अलग था। लेकिन आप ये समझिए कि जो फाइनेंशियल मार्केट है पूरी दुनिया के, वो जो है इकोनॉमिक मार्केट से पूरी तरह से मर्ज कर गए। जो प्रोडक्ट है, जो फिजिकल, जिसको आप छू सकते हैं, टेंजेबल प्रोडक्ट और सर्विसेज, वो फाइनेंशियल सर्विसेज के साथ में मर्ज कर गए और एक नई टाइप का फाइनेंशियलाइजेशन जो है कैपिटलिज्म का हो गया। आई होप कि ये आपको थोड़ा बहुत ये इवोल्यूशन क्लियर होगा। ऑफकोर्स ये स्लाइड बहुत लंबा हो गया है, सॉरी फॉर दिस। आइए अब देखते हैं कि कैसे कैपिटल जो है वो ग्लोबलाइज्ड हुआ है, ये ग्लोबलाइजेशन से भी जुड़ा हुआ है। ये एक पार्ट है जिसको मैं क्विकली कोशिश करूंगा, इवोल्यूशन का एक पार्ट है। हम फोकस इस पे करेंगे कि कैसे जो है कैपिटलिज्म पूरी दुनिया में फैला, वेस्टर्न यूरोप इंग्लैंड से निकल करके थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में, और कैसे आज जो है ये एक एक्सेप्टेड जो है ग्लोबल फिनोमेना बन चुका है, अफ्रीका, एशिया एंड सुदूर देशों में भी, बियॉन्ड अमेरिका एंड यूरोप। इसके चार फेजेस कह सकते हैं। फर्स्ट फेज जो है आपको पता है कि 18 सेंचुरी में कॉलोनियलिज्म हुआ, वहां पे कॉलोनीज क्या थे, ये एक्सपोर्टर रॉ मटेरियल के बन गए थे, जो डेवलप्ड कंट्री थे वेस्टर्न यूरोप के, वो इंपोर्टर, वो एक्सपोर्टर थे फिनिश्ड फैक्ट्री गुड्स के, और वो वहां से जो है दोहन करते थे जो उसके नेचुरल रिसोर्सेज थे और चीप लेबर थे, और थोड़ा बहुत उन्होंने जो है FDI भी किया, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी किया, जैसे इंडिया में प्लांटेशन में हुई, रेलवे में हुई, माइनिंग में हुई, उससे थोड़ी बहुत जो है कैपिटलिज्म यहाँ पे डेवलप हुई। और जब वॉर आया 1914 का ऐसे इंडिया में, तो जो यहाँ के नेटिव कैपिटलिस्ट थे उनको पूरा एक चांस मिला, क्योंकि उस समय में जो है यूरोप के फैक्ट्री जो है अपने वॉर के लिए प्रोड्यूस करने में बिजी हो गए, तो इंडिया के जो कैपिटलिस्ट थे वो उनको यूरोप और अदर कंट्री में एक्सपोर्ट का मौका मिला, उससे यहाँ पे स्पर्प हुआ कैपिटलिज्म इंडिया जैसे और एशिया में।
ओल्ड फेज यदि हम कहें तो ये 1945 से 1973 जो कि फोर्डिस फेज मैंने आपको बताया है, ये गोल्डन पीरियड ऑफ कैपिटलिज्म है। यहाँ पे गवर्नमेंट, जैसा मैंने बताया कि वो एक तरह से प्रोटेक्टिव हो गई, वहाँ रेगुलेशन लगाया, उन्होंने ट्रेड बैरियर खड़े किए, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन किया, यहाँ गलत लिखा है सब्स्टिट्यूशन, इट इज सब्स्टिट्यूशन, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन किया, और उन्होंने प्रोटेक्ट किया अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को डेवलपिंग नेशंस ने। इंडिया में भी ऐसा हुआ जहाँ पे कि कस्टम ड्यूटी है उसके थ्रू, कोटा और अदर क्वांटिटी मेजर के थ्रू हमने अपने इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करने की कोशिश की। यहाँ पे जो है मोनोपोलिस्टिक फेज है, आपको पता है वहाँ पे इवोल्यूशन ऑफ एमएनसीज के हुई, उन एमएनसीज ने बेसिकली ग्लोबलाइज्ड किया कैपिटल को, उन्होंने अपने ब्रांच सब्सिडरी खोले डिफरेंट डेवलपिंग कंट्री में, जैसे इंडिया में भी आप देखेंगे हिंदुस्तान लीवर हो, चाहे अदर जो ग्लोबल एमएनसीज हैं उसके यहाँ पे जो है फैक्ट्री खुलने लगे, ब्रांच खुलने लगे, और ये एक तरह का हायरार्किकल इंटरनेशनलाइजेशन था। मतलब जो पैरेंट कंपनी एमएनसी की होती थी वो मालिक होती थी, और जो यहाँ पे डिवीजन जो उसके होते थे वो उसको सीधे रिपोर्ट करते थे, थ्री लेयर जो है ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर बना, और ये एक ग्लोबलाइजेशन थ्रू एमएनसी शुरू हुआ इस फेज में, ओल्ड फेज। न्यू फेज जो है जिसको न्यू लिबरल फेज कहते हैं, 1973 से लेकर 20th सेंचुरी तक, यहाँ पे इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन जो है पूरी तरह से फैल गया। एमएनसी अब जो है ट्रांसनेशनल कॉर्पोरेशन में बदल गए। दोनों में डिफरेंस ये है कि एमएनसी का एक पैरेंट कंट्री होता था, वहां उसकी सबसे बड़ी ऑफिस होती थी, सबसे बड़ा वजूद होता था, अब वो सब खत्म हो गया। जो टीएनसीज हैं उनका कोई एलिजियंस किसी पर्टिकुलर कंट्री से नहीं है, भले वो अमेरिकन हो अपने ऑरिजिन में, लेकिन वो मानते हैं कि हम ग्लोबल कंट्री हैं, वो अपने अमेरिकन गवर्नमेंट से कोई खास जुड़े हुए नहीं है, ये टीएनसीज हो गए। ग्लोबल कमोडिटी सप्लाई और डिमांड चेन आ गया, मैंने आपको बताया है, अब ऐसा हो गया एक शर्ट यदि बन रहा है तो उसका बटन जो है होंडुरास में बन रहा है, उसकी कॉटन फाइबर इंडिया में आ रही है, उसकी स्टिचिंग बांग्लादेश में हो रही है, और वो जो है फ्रांस में सेल हो रहा है, और उसको पहन जो रहे हैं वो इंडिया में फिर पहन रहे हैं। इस तरह से जो ग्लोबल कमोडिटी जो उसके डिफरेंट जो प्रोडक्शन है वो पूरी ग्लोब में फैल गई एक ही प्रोडक्ट के, और उसका जो सप्लाई भी है वो भी जो है पूरे दुनिया में फैल गया, डिमांड भी जो है अलग अलग तरीके से पूरे दुनिया में जो है वो डिमांड होने लगी, कोई एक कंट्री में जो है ये सीमित नहीं रह गया सप्लाई एंड डिमांड का चेन जो है। यहाँ पे ये भी कहा सकता है कि नेशन स्टेट की ऑथोरिटी थोड़ी इरोड होने शुरू हो गई, ऐसा लोगों को फील होता है, लेकिन मेरा ऐसा नहीं मानना है, बहुत सारे ऑथर का नहीं मानना है, लेकिन फिर भी नेशनल बैरियर जरूर क्रॉस हो गई, कैपिटल पीपल और इन्वेस्टमेंट जो है और गुड्स एंड सर्विसेज वो नेशनल बॉर्डर से बहुत तेजी से जो बाहर निकलने लगे, फ्री ट्रेड का जमाना आ गया WTO के थ्रू। कंटेम्प्रेरी फेज यदि देखें 21st सेंचुरी, तो इसको फाइनेंशियल ग्लोबलाइजेशन भी आप कह सकते हैं। यहाँ पे क्या हुआ कि इंटरनेशनल फ्लो ऑफ कैपिटल एज फाइनेंस, अब यहाँ पे एक नया फॉर्म जो है वो कैपिटलिज्म का आया, अगले स्लाइड में हम बताएंगे। वहां पे क्या हुआ कि फाइनेंस बिकेम, जो कैपिटल जो है वो फाइनेंस के फॉर्म में आया, मतलब जिसको आप बोलते हैं कि क्रेडिट लोन एंड फाइनेंशियल डेरिवेटिव जैसे फ्यूचर्स ऑप्शंस, हॉट मनी सप्लाई होने लगी। हॉट मनी क्या होती है कि यदि आप इन्वेस्ट करते हैं शेयर मार्केट में या फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स में, जो डिफरेंट टाइप के मैंने आपको बताया फाइनेंशियल डेरिवेटिव, स्टॉक इक्विटी शेयर के अलावा भी यदि आप उसमें इन्वेस्ट करते हैं, जहां पे भी आपको लगता है कि आपको थोड़ा फायदा है वहां पे आप ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी जो ये इन्वेस्टर होते हैं इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन जैसे ही उनको लगता है कि दूसरे कंट्री में या दूसरे रीजन में उससे ज्यादा फायदा हो रहा है तो सारे मनी को निकाल के वहां भेज देते हैं, फिर ये मनी सर्कुलेट होती रहती है, इसको हॉट मनी बोलते हैं, उससे पूरी मार्केट जो है हिल जाती है, वो कंट्री का इकोनॉमी उससे अफेक्टेड होने लगता है। इसलिए आप इंडिया में पढ़ेंगे कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने इतने मिलियन डॉलर इस मंथ में निकाल लिया और शेयर मार्केट गिर पड़ा, तो ये हॉट मनी सर्कुलेट होते रहता है। और इसमें एक और हुआ है कि डीलिंग हो गया है इंटरनेशनल फाइनेंशियल फ्लो फ्रॉम इंटरनेशनल कमोडिटी फ्लो। अब क्या हो गया है कि प्रोडक्ट एंड सर्विसेज की फ्लो से जो है ये फाइनेंशियल फ्लो जो है अलग हो गया। ये एक अजीब सा फिनोमेना है, मतलब विदाउट प्रोडक्ट जो है वो फाइनेंशियल प्रोडक्ट जो है सर्कुलेट हो रहे हैं वर्ल्ड में। आई एम नॉट एबल टू एक्सप्लेन फुल्ली टू यू, बट आप इतना समझिए कि फाइनेंशियल जो फ्लो है, जो फाइनेंस के जो प्रोडक्ट आप समझिए, जैसे कि इक्विटी शेयर, डिबेंचर्स या कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, उसके डेरिवेटिव, फ्यूचर्स, ऑप्शंस एंड इस टाइप के जो फाइनेंशियल प्रोडक्ट हैं वो फिजिकल प्रोडक्ट से अलग जो है मूव कर रहे हैं पूरी दुनिया में। तो ये एक अलग जो है फिनोमेना, इसको फाइनेंशियलाइजेशन जो है कैपिटलिज्म का कहते हैं, ये कंटेम्पररी फेज है। सो आई होप कि आप समझ रहे होंगे कि कैसे कैपिटलिज्म जो है पूरी दुनिया में
छा गया है डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में और आज हम ट्रूली ग्लोबलाइज्ड कैपिटल वर्ल्ड में रह रहे हैं। अब फाइनली जो है लेट अस सी कि ये जो दुनिया है कैपिटलिस्ट वर्ल्ड है इसके क्या चैलेंजेस हैं। हालांकि फुकुयामा के अनुसार ये एंड ऑफ हिस्ट्री है, चरम है आइडियोलॉजी का, पीक पर जो है ह्यूमन कल्चर पहुंच गया है, अब इससे आगे कुछ नहीं है, लेकिन बहुत लोगों का और मेरा भी मानना है कि ये ब्लिप है हमारे इकोनॉमिक सोशल हिस्ट्री में, क्योंकि यदि आप 5000 साल का सिविलाइजेशन देखें तो कैपिटलिज्म केवल लास्ट 300 ईयर से है और उसमें भी ये इतने इसके चैलेंजेस, इतने क्राइसिस आए हैं कि मुझे भी लगता है कि एक नया जो है इकोनॉमिक एंड सोशल ऑर्डर जल्द ही निकलेगा Perhaps, और इसलिए कैपिटलिज्म पूरे में आप देखें तो एक बहुत छोटा सा पार्ट हमारे इकोनॉमिक एंड सोशल हिस्ट्री का ह्यूमन काइंड का हो सकता है। तो लेट अस सी कि इसके चैलेंजेस और कंट्राडिक्शंस क्या हैं। पहले तो आप ये समझिए कि ये इसका डायलेक्टिक नेचर है। डायलेक्टिक मतलब जिसमें कि इन बिल्ट कंट्राडिक्शन जिस सिस्टम में हो उसको डायलेक्टिक बोलते हैं। तो इसमें जो है कैपिटलिज्म में इन बिल्ट कंट्राडिक्शन है। इनफैक्ट हेगल और मार्क्स के अनुसार चले तो ह्यूमन सिविलाइजेशन के हर फेज में कंट्राडिक्शन रहा है। इनफैक्ट ये डायलेक्टिक इवोल्यूशन ही रहा है, इसीलिए वो एक क्राइसिस में आता है और जब वो क्राइसिस को नहीं संभाल पाता है वो डायलेक्टिक सिस्टम तो वो टूट जाता है और एक नई सिस्टम आती है, लेकिन नई सिस्टम भी जो है फिर डायलेक्टिक होती है क्योंकि वर्ल्ड का नेचर ही जो है डायलेक्टिक है। मतलब जो भी सिस्टम में हम जीते हैं उसमें इनहेरेंट कंट्राडिक्शन होता है और उसी से नई सिस्टम निकलती है। यदि कैपिटलिज्म का इनहेरेंट कंट्राडिक्शन देखें तो बहुत अजीब सा है इसमें। देखिए एक तरफ तो ये पॉलिटिकली लिबरल डेमोक्रेसी का जनक है या वाहक है, लेकिन दूसरी तरह ये फ्री मार्केट इकोनॉमी को प्रमोट करता है। अब ये दोनों यदि आप देखेंगे तो आपको मैच नहीं करेगा। लिबरल डेमोक्रेटिक आइडिया कि सभी बराबर हैं, इक्वल हैं, सभी को पार्टिसिपेटिव मौका मिलना चाहिए, हर आदमी का वर्थ सेम है, वैल्यू सेम है, फ्रीडम, राइट, जस्टिस सबको मिलना चाहिए, और वहीं पे फ्री मार्केट इकोनॉमी जहां पे कि मार्केट सबसे बड़ा क्रूअल इक्वलाइजर है। आप जरा ये समझिए कि सबसे बड़ा इनइक्वलिटी क्या होती है कि जब आप इनइक्वल को इक्वल ट्रीट करते हैं तो सबसे बड़ी इनइक्वलिटी आप करते हैं, और मार्केट वही काम करता है क्योंकि मार्केट के लिए कोई अमीर कोई किसी गरीब में कोई फर्क नहीं होता। आप जरा इसको एक एग्जांपल समझिए। आप एक टूथपेस्ट खरीदने जाते हैं, आपकी इनकम जो है 1.5 लाख रुपए महीने मान लीजिए है और आप वो टूथपेस्ट 80 रुपए में खरीदते हैं। एक गरीब आदमी जाता है उसको भी वो 80 रुपए में मिलता है जिसमें कि 30% से अधिक टैक्स भरा हुआ है, जीएसटी ना। अब देखिए कि क्या वो मार्केट ये सोचता है कि इसको दांत मांझने के लिए इस आदमी को भी जरूरत है, इसको 80 रुपए। एक 1.5 लाख कमाने वाले के लिए 80 रुपीज का टूथपेस्ट कोई मायने नहीं रखता है, एक गरीब आदमी के लिए जो है उसके आधे दिन का लेबर हो जाता है। मार्केट इतना क्रूएल होता है, तो इसलिए ये इनइक्वलिटी को बढ़ाता है। और यदि आप फ्री मार्केट इकोनॉमी बिलीव करते हैं तो कैसे लिबरल डेमोक्रेसी साथ में चलेगा, ये कंट्राडिक्शन जो है बहुत बड़ा है कैपिटलिज्म को। देन आपको मैंने बताया कि पॉलिटिकल और इकोनॉमिक स्फेयर जो है इसमें अलग हो गई, लेकिन पहले आप देखिएगा तो ये दोनों स्फेयर मिले हुए थे। जब एक्सप्लॉयटेशन बाय फोर्स होता था एक्स्ट्रा इकोनॉमिक मीन से होता था, पॉलिटिकली, जुडिशियल या बाय फोर्स, तो उस समय में जो फेडरल लॉर्ड होते थे या इंडिया में भी जैसे मान लीजिए इक्तादार और जागीरदार ये होते थे, तो उनका जो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जो है पावर मिला हुआ था वो बहुत स्टेबल था, इसलिए वो 1000 साल या 1500 साल से ज्यादा उन्होंने फेडरल सिस्टम पूरे वर्ल्ड को उन्होंने संभाल लिया। ऑफ कोर्स वो बहुत एक्सप्लॉयटेटिव, बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन वो स्टेबल था। यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो पॉलिटिकल पावर है वो सेपरेट हो गया है नेशन स्टेट में, और जो इकोनॉमिक पावर है वो कैपिटलिस्ट क्लास में जो है वो निहित हो गया है। अब ये दोनों क्लास अलायंस तो करते हैं स्टेबल करने के लिए। कई बार कैपिटलिस्ट क्लास को स्टेट के कोएर्सिव पावर का हेल्प की जरूरत पड़ती है अपने बिजनेस को चलाने के लिए, लेबर क्लास को टेम करने के लिए, लेबर रिवॉल्यूशन को दबाने के लिए, वेज को कम रखने के लिए, या हायर एंड फायर की पॉलिसी को लाने के लिए, लेबर लॉ को लिबरल बनाने के लिए, इन सब के लिए उसको स्टेट की जरूरत पड़ती है। लेकिन मोर और लेस दोनों सेपरेट हैं, कई बार दोनों तानातानी भी करते हैं, लड़ाई भी करते हैं, और इससे ये इनहेरेंटली अनस्टेबल हो गया है क्योंकि स्टेट को कोई बहुत ज्यादा इनहेरेंट जो है कोई फायदा नहीं है कैपिटलिस्ट क्लास को बचाने के लिए, और कैपिटलिस्ट क्लास के पास में पॉलिटिकल पावर नहीं होता है। तो ये दोनों जो है आपस में थोड़े एक कंट्राडिक्टरी एक अलायंस बनाते हैं और इसलिए ये सिस्टम अनस्टेबल है। इसका रिजल्ट जो है, और कई और कारणों से, मैं नहीं कहूंगा कि यही इसका
कारण है, बहुत फ्रीक्वेंट क्राइसिस से कैपिटलिज्म गुजरता है। आप देखिए 1930s में जो है ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन आया, फिर 1973 में ऑयल शॉक आया और पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी जो है वो ध्वस्त होने लगी। 2001 में जो है .com बस्ट आया जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया। न्यू इमर्जिंग जो ICT टेक्नोलॉजिकल बेस्ड जो एंटरप्रेन्योर्स थे वो पूरे डूब गए। 2008 में जो है सब प्राइम क्राइसिस और फाइनेंशियल क्राइसिस यूरोप और अमेरिका में आई जिससे पूरी दुनिया फिर से हिल गई। और अभी भी देखें तो कई क्राइसिस लाइक एक ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस से हम जूझ रहे हैं, क्लाइमेट चेंज से जूझ रहे हैं, लीनियर इकोनॉमी से जूझ रहे हैं, अभी भी चल रही है। देन इसका नेक्स्ट जो देखिएगा तो ये जॉबलेस ग्रोथ की तरफ हम जा रहे हैं। बेसिकली क्या हो रहा है कि आपका प्रॉफिट बढ़ रहा है, आपकी इनकम लेवल बढ़ रही है, लेकिन वो इनकम कंसंट्रेट हो रही है, वो इनइक्वल कंसंट्रेट हो रही है। 1% जो है पूरे दुनिया के आज 50% के आसपास जो है वेल्थ होल्ड करते हैं और ये बढ़ता जा रहा है। ये इनइक्वलिटी जो हैव और हैव नॉट्स के बीच में बढ़ती जा रही है। जो सर्विस सेक्टर लेड ग्रोथ है अनदर प्रॉब्लम है। लाइक आप आज देखिए आज की जितनी बड़ी जो टेक्नोलॉजिकल कंपनी बोलते हैं, आई डोंट नो क्यों उनको टेक्नोलॉजिकल कंपनी बोलते हैं, लाइक गूगल, फेसबुक, ट्विटर, कोरा, ये क्या है, ये कुछ कोई प्रोडक्ट नहीं बनाते, आप उसको छू नहीं सकते हैं, लेकिन वो बिलियंस 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 ऑफ ट्रिलियंस ऑफ डॉलर का उनका जो है नेटवर्थ हो गया है। और ये जो सर्विस सेक्टर लेड ग्रोथ है जहाँ पे कि ब्रिक मोर्टार नहीं है, जहाँ टेंजिबल प्रोडक्ट नहीं है, उससे जो है जॉब बहुत कम प्रोड्यूस हो रही है, ऐसा फील होता है और ऐसा हो भी रहा है कि प्रॉफिट मनी टर्म में बढ़ती जा रही है, लेकिन जो बाजार में ना तो वो प्रोडक्ट के फॉर्म में आती है ना ही एम्प्लॉयमेंट के फॉर्म में आती है। तो ये जॉबलेस ग्रोथ जो है एक मेजर क्राइसिस में बदल रहा है। और फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ कैपिटलिज्म, फाइनली मैं आपको यहाँ एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। मैंने आपको कहा था कि ये कैपिटलिज्म का क्लासिक जो फॉर्म है ये है मनी प्रोड्यूसेस प्रोडक्ट, प्रोडक्ट्स आर सोल्ड फॉर मनी एंड प्रॉफिट। तो मनी प्रोडक्ट मनी, मनी प्रोडक्ट मनी। नाउ इट इज रिप्लेस्ड इन द फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ कैपिटल, मनी प्रोड्यूसेस मनी प्लस प्रॉफिट, कोई बीच में प्रोडक्ट नहीं है। आप मनी इन्वेस्ट करते हैं शेयर मार्केट में या फाइनेंशियल प्रोडक्ट में और आप मोर मनी आप कमाते हैं, इसमें बीच में कोई प्रोडक्ट नहीं आती और ये हाईली अनसस्टेनेबल है, ये नहीं चल सकता है। क्योंकि यदि प्रोडक्ट नहीं है तो ये कैपिटलिज्म का एक अजीब सा विद्रूप सा फॉर्म है जो अभी फाइनेंशियल कैपिटलिज्म के फॉर्म में चल रहा है और ये हाईली अनस्टेबल है, इसलिए बहुत सारे क्राइसिस आने ही है। एंड फाइनली क्राइसिस ऑफ 3E है, इकोलॉजी, एनर्जी, इकोनॉमी। मैंने आपको बताया इकोलॉजी अब लोग मानने लगे हैं कि ये जो कैपिटलिज्म पिछले 300 साल में चला है वह कोई खास कोई प्रॉफिट उसने केवल लेबर को इंप्रूव करके या टेक्नोलॉजी इंप्रूव करके नहीं लिया है, उसने एक्चुअली नेचुरल रिसोर्सेज का बुरी तरह से एक्सप्लॉइट करके, दोहन करके, उसको बर्बाद करके उन्होंने ये प्रॉफिट कमाई है। ये बर्बादी जो है थर्ड वर्ल्ड कंट्री के लोगों पर की गई है, वहां के रिसोर्सेज पे की गई है। उससे क्या हुआ है कि पूरी दुनिया जो है हैव और हैव नॉट बदल गई है और उससे ये भी हुआ है कि पूरे वर्ल्ड का नेचुरल रिसोर्सेज जो है इतना खराब हालत में पहुंच गया है कि आज वो हमारे सिविलाइजेशन को ही निगलने के कगार पे पहुंच गई है, जिसका एक रूप हम क्लाइमेट चेंज के फॉर्म में देखते हैं। इसके पहले ओजोन होल और इसके पहले बाढ़ और सूखा और अदर जो आपदाएं हैं वो हम हमेशा झेलते रहते हैं। ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस से हम गुजर रहे हैं अब, जो कि जुड़ा हुआ है आपके इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन से। और इसके अलावा जो फाइनली ये जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो ह्यूजली अनसस्टेनेबल है। अब ये माना जा रहा है कि इसमें हम करते क्या है, ये जो कैपिटलिज्म है वो नेचुरल रिसोर्सेज को लेता है फैक्ट्री या अदर फॉर्म में, उसको जो है कंज्यूम करता है, उसको वेस्ट बनाता है और उसको डंप कर देता है, उसको छोड़ देता है, फिर नए रिसोर्सेज को लेता है। ये जो लीनियर वे में हम आगे बढ़ रहे हैं ये अनसस्टेनेबल है, जब तक हम सर्कुलर वे में ना बढ़े, जिसको सर्कुलर इकोनॉमी बोलते हैं, मतलब हम रिसोर्सेज को ले, उसको अच्छे से कंज्यूम करें और फिर उसको जो है रिप्लेनिश कर दें नेचर में और फिर तब आगे बढ़ें, एक साइकिल में बढ़ें, ना कि लीनियर, तभी ये सस्टेनेबल होगा। आई डोंट नो कैपिटलिज्म ऐसा कर पाएगी कि हम जो है बिल्कुल कैपिटलिज्म को ही हमें छूना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। ओके टू सम अप, लेट अस सम अप। फर्स्ट इज दैट डिक्लाइन ऑफ फेडरल सिस्टम इन यूरोप स्पेशली इन इंग्लैंड gave rise to capitalism. मैंने आपको डिटेल में बताया कि कैसे जो है फेडरल स्ट्रक्चर यूरोप में 14th सेंचुरी आते आते ढहने लगा था। जो लॉर्ड और बैरोन और किंग का जो एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर था, ऑफकोर्स इंडिया और दूसरे जगह पे तो ये बहुत सालों तक चलता रहा, बहुत सैकड़ों सालों तक, लेकिन इंग्लैंड में सबसे पहले ढहा और उसने जो है एग्रेरियन ओरिजिन कैपिटलिज्म का दिया।
मैंने आपको डिटेल में बताया कैसे 16, 17 सेंचुरी यूरोप इंग्लैंड में जहां लैंडलॉर्ड स्टार्टेड लीजिंग लैंड ऑन मार्केट डिटरमिन्ड रेट दे इंप्रूव्ड लेबर प्रोडक्टिविटी एंड जनरेटेड प्रॉफिट। तो यहां से एग्रेरियन इवोल्यूशन कैपिटलिज्म का शुरू हुआ। सबसिक्वेंट रिफॉर्मेशन मूवमेंट इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन बोर्जियाज़ीज़ रिवोल्यूशन लिबरलिज्म एंड इवोल्यूशन ऑफ नेशन स्टेट ये सारे ने हेल्प किया कैपिटलिज्म के इवोल्यूशन पे। इनफैक्ट मैं आपको इस पे एक पूरा स्लाइड बताना चाहता हूँ जिसमें कि कैसे जो है ये प्रोटेस्टेंट मूवमेंट जो है वो बोर्जुआज़ीज़ मूवमेंट एक जैसा था जिसने कि कैपिटलिस्ट स्पिरिट को जन्म दिया। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जो था वो तो कैपिटलिज्म का बिल्कुल एक जन्मदाता था और बोर्जुआज़ीज़ रिवॉल्यूशन जो फ्रेंच एंड अमेरिकन रिवॉल्यूशन के फॉर्म में हुआ उसने भी कैपिटलिज्म को पूरी दुनिया में फैलाने में हेल्प की। लिबरलिज्म इसका एक आइडियोलॉजिकल व्हीकल बन गया और नेशन स्टेट के बनने से जो है इसको मैच्योरिटी मिली क्योंकि यहाँ पे जो इकोनॉमिक एंड जो पॉलिटिकल स्फीयर था वो अलग अलग हो गया। तो ये सारे फैक्टर्स ने कैपिटलिज्म के इवोल्यूशन को हेल्प किया। इसके फोर फेजेस जो हैं वो इस पे एक मोटा मोटा कंसेंसस है, वैसे कंसेंसस तो नहीं है। क्लासिक फेज जो है 19th सेंचुरी, मैंने यहाँ मर्केंटाइल फेज को हटा दिया है क्योंकि उसको मैं कैपिटलिस्ट मानता नहीं हूँ। 19th सेंचुरी क्लासिक है जहाँ इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म हुई, कंपिटिटिव कैपिटलिज्म भी बोलते हैं। देन मोनोपोलिस्टिक फेज आया जिसमें MNCs का जन्म हुआ, ये इंटर वॉर पीरियड और पोस्ट वर्ल्ड वॉर से लेकर 1973 तक रहा, इसको फोर्डिस पीरियड भी बोलते हैं। देन नियो लिबरल फेज हुआ जहाँ पे कि डीरेगुलेशन प्राइवेटाइजेशन और लिबरलाइजेशन का जमाना आया और यहाँ ये जो है रीगन और थैचर एरा था पॉलिटिकल फेज में और 1973 से लेकर 1991 तक वहाँ आते आते USSR और कम्युनिज्म का पूरी तरह से ध्वस्त हो गया। कैपिटलिज्म केवल एक ही जो है वो आइडियोलॉजी इकोनॉमिक आइडियोलॉजी बची और लिबरल डेमोक्रेसी एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, एंड ऑफ हिस्ट्री जो फुकुयामा बोलते हैं। एंड देन कंटेम्प्रेरी और ग्लोबलाइज्ड जो फेज है जहाँ पे कि फाइनेंशियल कैपिटलाइजेशन और इकोनॉमिक कैपिटलाइजेशन दोनों मर्ज कर गए हैं और पूरी दुनिया जो है अभी कैपिटलिज्म के दायरे में आ गई है। यदि इसके ग्लोबलाइजेशन के फेजेस को देखें कैपिटल कैसे जो है अपने को उसने पूरी दुनिया में फैलाया, तो इसका क्लासिक फेज जो है कॉलोनियल एरा है 18th सेंचुरी, ओल्ड फेज जो है 1945 से 1973 तक मानिए जहाँ MNC के थ्रू जो है ये पूरी दुनिया में फैली हायरार्किकल वे में जहाँ वो MNC अपने ब्रांच खोलते थे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में। देन न्यू फेज 1973 से लेकर 20th सेंचुरी आया जहाँ ट्रांसनेशनल कंपनी आया, ग्लोबल कमोडिटी एंड सप्लाई चेन आया। एंड देन कंटेम्प्रेरी ग्लोबलाइज्ड या फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ द कैपिटल फेज या फाइनेंशियल कैपिटलिज्म आया 21st सेंचुरी में जहाँ पे टेक्नोलॉजी कंपनी लाइक गूगल फेसबुक ट्विटर कोरा एंड अदर्स एंड जो जिसको बोलते हैं कि इंटीग्रेटेड स्टॉक एंड फाइनेंशियल मार्केट ऑफ द वर्ल्ड ये दोनों जो है मिक्स करके ये एक फ्यूल कर रहे हैं एक अलग टाइप के ग्लोबलाइज्ड कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को जिसके हम सभी जो है पार्ट बन चुके हैं। सो स्टूडेंट्स थैंक यू वेरी मच, दीज आर द रेफरेंसेस एंड थैंक्स फॉर